कैशलेस इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है कि आखिर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, डिक्लाइन चार्जेस लगते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर, उन्हें कितनी पर ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी, इसे लेकर थोड़े से वो कंफ्यूज जरूर है यहाँ पर, लेकिन एक अच्छा कदम है और शायद अगर इन चार्जेस के बारे में या इन पेमेंट्स के बारे में उन्हें अच्छे से पता चल जाए तो उन्हें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कैसे कैशलेस पेमेंट आपके लिए फायदेमंद है ये हम आपको बता दें कि देश में करीब 14.6 लाख POS या फिर स्वाइप मशीन्स जिन्हें कहा जाता है वो है और 2.5 करोड़ जो POS मशीन्स है उनकी अभी भी जरूरत है। तो ये गैप कितना बड़ा है ये आप समझ सकते हैं। ज्यादातर मशीन्स जो होती है इन्हें यहाँ पर देश में इंपोर्ट किया जाता है जिसकी वजह से इनके प्राइस जो है वो करीब करीब 18% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आपको पे करना पड़ता है जिसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि सरकार ने POS मैन्युफैक्चरिंग पर 31 मार्च तक के लिए छूट दी है, यानी कि आपके लिए बहुत बेहतर मौका है, आप खरीदना चाहें तो जाकर ये मशीन खरीद सकते हैं। POS मैन्युफैक्चरिंग पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी उसे भी सरकार ने यहाँ पर हटा दिया है। साथ ही साथ जो एडिशनल टैक्स यहाँ पर लगता था 4% का उसे भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो कैशलेस पेमेंट की तरफ देश बढ़ रहा है। स्वाइप मशीन की करीब करीब जो कीमत है वो 5,000 से 10,000 रुपए के बीच है। हालांकि कई जो बैंक्स हैं या फिर जो दुकानें हैं वो इन्हें किराए पर भी आपको देती है और खुद, लेकिन अगर आप इस मशीन को खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और जैसा कि होटा साहब ने भी यहाँ पर कहा था कि आपको कैश को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। हम आपको बता दें कि बैंकों को हर महीने आपको 700 से 1,000 रुपए का किराया चुकाना होता है अगर आप ये मशीन किराए पर लेते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर में आप जितना किराया देंगे शायद करीब करीब उतने पैसे कि आप मशीन, उससे भी कम पैसे कि आप मशीन यहां पर खरीद सकेंगे। मेरे साथ यहां पर प्रकाश प्रियदर्शी दिल्ली से बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चल लेते हैं। प्रकाश, ये भी जानना चाहूंगी कि जो यहां पर दुकानदार है अगर उसको एक और अल्टरनेट यहाँ पर दिया जाता है कि आप इस मशीन को खरीद लीजिए, ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी और एक आसान तरीका अगर बताया जाता है, सो आर दे विलिंग टू एक्चुअली मूव टू POS मशीन्स देन कैश? जी बिल्कुल, दुकानदार के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसको इस मशीन की खासियत तो बताई ही जाए, साथ में कैसे इसको ऑपरेट करना है, अगर पेमेंट डिक्लाइन होता है तो उसको कहाँ अप्रोच करना चाहिए, इस बात की एक छोटी ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। हमारे साथ जिस दुकान पे मैं हूँ हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेमेंट डिक्लाइन हो गया तो आप उस कार्ड कंपनी को अप्रोच करते हैं या जिस बैंक से लिया है आपने उसको अप्रोच करते हैं, तो आपको लगता है कि उस पूरे सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने में टाइम लगता है, उसको जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए? उसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर बाय चांस अगर कस्टमर ने सर्व करा लिया और डिक्लाइन हो जाए तो कस्टमर तो चले जाएगा, तो किसी भी अप्रोच करोगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कि बाय चांस बीच में नेटवर्क चला गया, डिक्लाइन हो गया, तो हम किसी को अप्रोच करते हैं। आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी आई है? कोई ऐसा कार्ड आपने किसी कार्ड का बैंक से अप्रोच किया है जिसका आपने नेटवर्क की वजह से उसका स्वाइप मशीन आपने लेने से मना किया हो? हाँ, इंडियन बैंक, ICICI बैंक, इनसे अप्रोच करी थी, इनने मना कर, इनका रेंटल चार्जेस और कंज्यूमर पर मंथ चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कौन सा दूसरा अल्टरनेट है जैसे वो अपना सकते हैं? आपको लगता है कि मोबाइल वॉलेट भी एक अच्छा ऑप्शन है इसमें, बिकॉज कैशलेस इकोनॉमी की तरफ देश यहाँ तेजी से बढ़ रहा है और उसमें वो भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं? देखिए, POS मशीन के अलावा एक मोबाइल POS आता है जी, जो हमारे मोबाइल में ही वो फिट हो जाता है, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। एक और तकनीक है जिसको बोलते हैं QR कोड। वो QR कोड बैंक हमें ईमेल से भेजता है और वो हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से लिंक हो जाता है। यदि उसको हम अपने दुकान में लगा लें और कोई भी अपने उसको स्कैन करेगा तो उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मोबाइल वॉलेट का आपने जिक्र किया, ऐसे ही मोबाइल की बहुत सारी पेमेंट के एप्लीकेशंस हैं जी, जिनके माध्यम से हम डिजिटल पेमेंट को पूरे देश में बढ़ावा दे सकते हैं जी। और मुझे लगता है कि क्योंकि POS मशीन्स का अपना एक खर्चा है
तो उसकी बजाय यदि हम इस प्रकार के विकल्पों को ज़्यादा बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत कम समय में हम पूरे देश भर में छोटे छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट के महत्व से रूबरू करा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि शुरुआत है ये और धीरे धीरे हम जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें इसके अच्छे, इसके जो पॉजिटिव फीचर्स हैं उनसे रूबरू करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ होटा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश और सिल्की आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। तो POS मशीन की जो कीमत है वो भले यहाँ पर ज़्यादा हो लेकिन एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ रहा है, पहला कदम है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरा डिटेल से जो छोटे दुकानदार हैं उनको समझने की जरूरत है कि ये आपके फायदे के लिए ही है और कैश को संभालने की आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा पैसा आपके अकाउंट में जाएगा।